आप में से काफी या फिर कुछ बंदे जरूर ये कमेंट किए होंगे कि भाई खिलाड़ी अड्डा का टूर्नामेंट क्यों नहीं खेलते। तो भाई लो आ गया है खिलाड़ी अड्डा का टूर्नामेंट और मेरे जो पर्सनल आईडी फिर भाई पहली बात तो पर्सनल आईडी की ऐसी की तैसी, पहले इस बंदे को ऐसे ऐसे करें उसके बाद बात करते हैं जो भी है ना, क्योंकि हमने दो बंदे में लैंड किए तो मुझे नहीं एक्सपेक्ट था कि ये बंदा एकदम से आ जाएगा सामने। तो मेरी जो सेकेंडरी आईडी थी जो रुद्र के नाम से मैंने यहाँ पे खोल रखा था, क्योंकि जो पहले जब आईडी वगैरह हैक होने से पहले हम लोगों की पूरी स्क्वाड खेलती थी टूर्नामेंट, फैन क्लास का खेलती थी, खिलाड़ी अड्डा का खेलते थे, गेमर जी का भी वैसे सोलो ही खेलती थी, लेकिन हाँ स्क्वाड में सारे के सारे खेलते थे, स्क्वाड मोड पे नहीं लेकिन सोलो मोड पे गेमर जी का जरूर खेला करता था। तो उसी टाइम हमने गेमर जी पे या फिर सॉरी खिलाड़ी अड्डा पे मैंने दो अकाउंट बनाए थे, दो अकाउंट पहले मेरी जो एक जो स्नैच मोबाइल स्नैचिंग के बाद जो नंबर चोरी हुआ है या फिर गुमा है उस नंबर का मैंने सिम फिलहाल नहीं बनाया, तो एक जो नंबर है उसका बनाया, तो उसमें मैंने अभी लॉगिन किया तो मुझे लगा कि ये मेरी प्राइमरी आईडी होगी खिलाड़ी अड्डा का, बट पता चला भाई वो तो मेरी सेकेंडरी है रुद्र के नाम से। तो आज देखा 20 रुपये और 20 रुपये में फिर 15 रुपये का एंट्री फीस दिया अपन ने, और उसी में फिर जो जो भी सिस्टम है टॉप 2 पे 80 या फिर 90 ऐसे कुछ रुपए है और टॉप 7 वो देख लेना बाद में जो भी है, 15 रुपये वाला एंट्री फीस और बरमूडा क्लासिक का था। तो यही सारी चीज़ें मैच फिलहाल हम दो रूम पे आ गए हैं, और रूम पे आने के बाद भी यहाँ पे एक भाई बंदा ना बहुत इस बार तो काफ़ी तगड़े, एक रेड क्रिमिनल है, पता नहीं रेड क्रिमिनल यहाँ पे, ओ भाई रेड क्रिमिनल का नाम लिए यहीं पर क्या बात है भाई, रुक जाओ यार, जब भी रेड क्रिमिनल दिख जाता है ना एक तो थोड़ा सा डर तो आ ही जाता है, बट इनको मारने का ना मज़ा अलग ही रहता है। फिलहाल तो हमारे पास मैको है यार, एक ही ड्रैगन सॉरी ड्रैको को नहीं है लुक जो भी वो का है, और अपने पास MP40 मिलती है तो वो ले लेंगे ज़रूर, और वो भाई जैसा नाम तो नाम नहीं लेकिन यहाँ पर थॉमसन ज़रूर मिला है और ऊपर MP40, चलो MP40 अपने हवाले है, और आई थिंक मेरे हिसाब से रेड क्रिमिनल इसी के अंदर है, ओके इसी के अंदर थोड़ा सा ग्रेनेड डालने की कोशिश करेंगे अपन, थोड़ा सा टाइमर सेट करते हैं। उसके बाद ये गया बेटा पहले 174 का, आई थिंक मेरे हिसाब से अब जाना होगा आगे, नहीं यार क्या लॉक मोड क्यों आ रहा भाई यहाँ पे बार बार, चलो कोई नहीं, ओ भाई साइड से भी बड़ा ये गया, चलो भाई फ्री पकड़ के भाग वे भाई पिट जाएगा भी भाई, यार तुझे पोजिशन सिक्योर करनी है ना कि किल पे फोकस करने आया है भाई, गजब से बता रहा हूँ। इसको भी आधा मिनट हो गया, अब ये देखो ये थर्ड पार्टी यहाँ पे ये गया पहली फुर्सत, अरे यार बच गया भाई। और भाई जिस किसी को लगता है कि रैंक वगैरह होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रैंक वगैरह भी हम लोग खेलते रहते हैं, लेकिन अगले सीजन भाई पहले तो इस बंदे को निपटाना पड़ेगा, ये बंदा कहाँ है पता नहीं यार, ओ भाई कहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, ओ लो चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो भाई ये लगातार भाई कंट्रोल भाई कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, फिर भाई कसम से बता रहा हूँ ना इतनी ज़्यादा हेल्थ अभी कम हो गई थी, एक दो गोली की और भी होता ना तो पक्का निपट जाता, बट ये बंदे के ऊपर है बंदा, भागने देते हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर मिलेगा थोड़ा सा जब थोड़ी देर तक इसका पीछे करेंगे, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे, क्या करेंगे वही चीज़ें करेंगे और ज़्यादा कुछ तो कर सकते नहीं भाई, न्यूबड़े के पास कुछ था ही नहीं यार, रेड क्रिमिनल के पास देखते हैं कुछ मिलेगा, नहीं रेड क्रिमिनल के पास भी कुछ नहीं है, कोई नहीं गाइस। और भाई खिलाड़ी अड्डा के एक बंदे ने 2 दिन से स्क्वाड का रजिस्ट्रेशन कर रहा था हम लोगों के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली भाई हमने उसका टूर्नामेंट ही नहीं खेल पाया, 2 बार रजिस्टर्ड किया बंदे ने लेकिन काफ़ी दुख हुआ उस बात को, तो कुछ बोल नहीं सकते यार, मतलब बंदा इतना कोशिश कर रहा है कि भाई हमारी टीम के साथ खेल लो, मेरे को पता है व्हाट्सएप में कॉल भी कर रहा था, बट कुछ पता नहीं क्या कर रहा था, सोया हुआ था या फिर कब, फर्स्ट टाइम तो जो 11:30 बजे वाला जो टूर्नामेंट था उसमें तो मैं कपड़े धुल रहा था तो उसमें फ़ोन नहीं उठा पाया तो रुद्र ही खेला था, और उसके बाद तो फिर सेकेंड वाला में उसमें शायद सो गया था मैं, ऐसा कुछ हुआ था तब जाके, बट बंदा बोला होगा भाई क्या यार भाव खाते हैं, मतलब यूट्यूबर होने के बाद भाव खाते हैं ऐसे बोलेंगे, यहाँ पे भाई वॉल तो बहुत तगड़ी लगी पड़ी है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी मिलेगी कि अपने को, फिलहाल मैंने वही क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल कि अभी पीछे साइड से जितने भी अपन पीछे जाए ना तो पूरे का पूरा पीछे वाला जोन क्लियर रहे, ताकि अपने को ना आगे जाने में कोई दिक्कत ना हो, अगर अपन आगे निकल जाए पीछे से बंदा आ जाए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है पीछे से, चलो ये बंदा निकल गया, चलो इधर आएगा क्या, नहीं इसको आई थिंक मेरे साथ पता ही नहीं है कि हम सामने खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इसकी पोजीशनिंग देखते हैं पहले, चलो भाग रहे दो इसको भाई, ओ भाई ये वॉल लग जा भाई क्या कर रहा, अच्छा चलो कोई नहीं लग तो गई वॉल, अब इस बंदा पता नहीं यार भाई बंदा आगे परेशान, वैसे जोन हमारे फेवर पे तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा जाने में ज़रूर, यहाँ पे हेलमेट, भाई क्या डैमेज दिया बंदे ने यार, आएगा क्या नहीं आएगा, चलो अगर आया तो पिटेगा ज़रूर, यहाँ पे थोड़ी हेल्थ अपने को मेडिकेट कर ले, और वहाँ पे थर्ड पार्टी ज़रूर होगी, यहाँ पे 2 पार्टी होगी अपन थर्ड पार्टी करेंगे, और ओ भाई ये चलो गया गया बंदा गया, सोच रहा हूँ कि ये बंदा आएगा तो इसको लपेटूंगा, चलो इस बंदे की पूछने देखते हैं इस बंदे कहाँ हैं,
फिर ये बंदा क्या करने है अपने को, आई थिंक मेरे हिसाब से बंदा ना मेरे को देखा नहीं है, फिर स्पॉट नहीं किया है, ये चीज़ है। बंदा भाग गया भाई, कितना जल्दी भाग गया यार। एक तो ग्रीन ब्लू कलर का पहना है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, बंदा कहाँ पर है देख लेते हैं। ओ भाई रुक जा, अब चलो अब इसको, ये तो यहाँ पे रुका हुआ है, थोड़ा सा डैमेज तो नहीं, वॉल लगा भाई अपने पास MP40, थोड़ा डिस्टेंस ही बना के रखना पड़ेगा तभी जाके फायर होगा। चलो 100 थोड़ा बहुत डैमेज, आई थिंक मेरे साथ ना इसके पास हेल्थ नहीं थी इसलिए बंदा बहुत ज़्यादा भाग रहा था, रुक नहीं रहा था। चलो कोई नहीं, मैंने अभी के जितने भी मैचेस खेले हैं, फिर जितने भी अभी किल किया हुआ है, 4 किल जिनमें, सारे के सारे में थोड़ा डिस्टेंस ही है, ये चीज़ें देख लेना आप टूर्नामेंट कभी भी खेलो ना, तो मैं कह रहा हूँ अब शॉर्ट गन शॉर्ट रेंज में घुसो, और जब आपके पास UMP या फिर MP5 या फिर MP40 है तो आप बिल्कुल थोड़ा मिड रेंज पे बना के रखो, बिकॉज मिड रेंज में आपका काम करेगा, लेकिन शॉर्ट रेंज में अगर आप घुसोगे तो डेफिनेटली आपके लिए खतरा ज़रूर हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान हमेशा से रखें, ठीक है। वैसे तो आई थिंक मेरे हिसाब से ना पीछे पूरा के पूरा जोन यहाँ पे क्लियर हो चुका है, और पीछे का जोन जो क्लियर हो चुका है, आई थिंक मेरे हिसाब से यही लग रहा है, क्योंकि जोन श्रिंकिंग टाइम पे अपने को भागना पड़ेगा, बस पीछे से कोई बंदा नहीं आए ना आए, बस आई थिंक मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि पूरा पूरा क्लियर कर चुके हैं। 2 बंदे थे, एक बंदे को उसने निपटाया, दूसरे को तो हमने निपटाया, और बस जो भाई नहीं गाड़ी का लगातार, भाई ये बंदा कहाँ कहाँ से आते हैं, इसकी गाड़ी तोड़नी पड़ेगी सबसे पहले तो। चल भैया आएगा क्या फिर से रिटर्न? नहीं भाई, क्या बंदा है यार, यहाँ पे तो हमारी हालत ख़राब है भाई, क्या कर रहा? नहीं, गलत 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 गलत, चलो कोई नहीं, ओ चलो टूट गई, अब दूसरी वाली गाड़ी को भी तोड़ने की पूरी फिराक पे है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, तो आगे ही बढ़ते हैं यार, कुछ नहीं है फिलहाल हमारे पास, क्योंकि ना ERMO भी नहीं है, ERMO 56 है, अब इसी में अपनी ज़िंदगी काटनी पड़ेगी जब तक कि अपने को सेकेंड या फिर थर्ड ERMO ना मिले तब तक, क्योंकि अपने पास तो कोई है नहीं, और क्लॉक टावर के अंदर जा नहीं सकते बिकॉज जोन बाहर है, जोन से बाहर है। और भाई जो भी अगर बैकग्राउंड साउंड कुछ आए ना कुछ तो उसको इग्नोर कर देना, बिकॉज दिन भर से हमारे, मैं जहाँ रहता हूँ उसके पास में एक मंदिर है, वहाँ पे दिन भर से आज बदरा, पता नहीं मतलब 24 घंटे का खैर रामायण है भी क्या है पता नहीं मुझे, मैंने ट्राई चेक नहीं किया है, बट पूरा का पूरा दिन भर से ही चल रहा है फिलहाल ये सिस्टम तो अपने पास भाई। अब ERMO नहीं है सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ERMO अगर अपने पास होता तो थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता था, लेकिन फिलहाल तो वही ढूंढने होंगे ERMO, सामने वाले घर पे देखते हैं क्या पता मिल जाए, यहाँ पे तो लूट पड़ी। अरे चलो एक पैकेट तो मिला 30 का स्लॉट के साथ, यार भाई क्या आ जाएगी हमारे, यार भाई इस बार ना बंदे तो बहुत तगड़े आए हैं, वैसे बंदे तगड़े क्या, यहाँ पे खिलाड़ी अड्डा में बंदे हमेशा तगड़े ही रहते हैं यार, इसमें मतलब तगड़े दैट मीन्स कि एक अच्छे बंदे रहते हैं, जो हैकिंग वगैरह का सीन यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है। फिर से गाड़ी, भाई क्या है ये, नाटक है या तो कुछ और है, फिर बताओ जाए यार भाई, गजब गजब पब्लिक भरी पड़ी है यहाँ पे साला। ओके अभी ये भी गाड़ी गई, चलो अब तो एम और भी नहीं। ओ भाई भाई बचा यार, क्या डैमेज पड़ी है भाई, कहाँ से मारा बंदा ने मेरे को, बहुत तगड़ा डैमेज पड़ा है, लेकिन छोटा मोटा डैमेज नहीं पड़ा, बिल्कुल लिटरली बचा दिया था थोड़ा सा यहाँ पे भाई। अब सामने ना अपने 4 किल तो है, लेकिन अब ये किल आई थिंक उठाना पड़ेगा अब। ओ भाई वॉल लग गई, कोई दिक्कत नहीं है, बंदा यहाँ पे गाड़ी से ठोक दिया था हमें बचाने की, हम उसको लेने के लिए कुछ ही कर सकते, लेकिन थोड़ा बच गया था। ओ भाई ये है ऊपर बंदा, कोई नहीं आगे तो बढ़ना पड़ेगा भाई, भाई गाड़ी भी आ रहा है यार, थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा अपने को, ये बंदा अलग से, बंदा गाड़ी से बचना पड़ेगा, गाड़ी सबसे भयंकर खतरनाक है अभी के हाल पे। और थोड़ा सा ना ये बंदा यहीं पे पत्थर पे है यार, थोड़ा सा भाई हेडशॉट और कनेक्ट नहीं, हेडशॉट तो कनेक्ट नहीं होगा, ये उल्टा के अपने को ही डैमेज देगा, बच तो पाना थोड़ा। ओ भाई फिर से डैमेज, थोड़ा सा अपने को नीचे से जाना पड़ेगा, नीचे से जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगी, बिकॉज बंदा आगे जाएगा अपना जोन कवर कर लेगा, अपन नीचे से यहाँ पे जाएंगे तो थोड़ा बहुत रिस्क तो है, लेकिन रिस्क के साथ भी इश्क है, कोई दिक्कत नहीं है। और बोला जाए तो अच्छे खासे पोजिशन पे तो आ चुके हैं, किल वेस्ट में तो कोई पॉइंट भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बट पोजिशन बेस्ड में पॉइंट है तो अपन ज़रूर ये मानेंगे, और देखते हैं वो या हो पाता है नहीं हो पाता है, फिलहाल कोशिश तो पूरी तरीके से करेंगे, क्योंकि लास्ट जोन पे बहुत भयंकर वाली फाइट होती है भाई, बहुत भयंकर वाली, सही बता रहा हूँ यार, जोन भी एक तरफा बना है भाई, गजब जोन बने, पीछे साइड से भागना पड़ेगा जोन के बिल्कुल सट के, इस साइड आई थिंक मेरे हिसाब से ना अब पूरा का पूरा जोन या फिर पूरा खाली होगा इस साइड, सामने वॉल लगी पड़ी है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से इस बंदे को निपटाना पड़ेगा, फिर आई थिंक मेरे हिसाब से बंदा यहाँ से
लूट माट करके निकल चुका है आगे। देख लेते हैं क्या होता है। फिलहाल तो अभी कुछ कह नहीं सकते, सामने भी बॉल लगी पड़ी, यहाँ पे बॉल, थोड़ा सा दबे पाँव और जाना पड़ेगा। आई थिंक मेरे से बंदा नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन देखते हैं मिलने। ओ भाई बंदा यहाँ पे, ये गया पहले भाई डैमेज अच्छे तरीके से, एक और चलो बैक टू लॉबी बहुत सही तरीके से भाई। वो भाई ग्रोजा में मिला है, क्या मजे है यार भाई। चलो कोई नहीं, ग्रोजा मिल गया, ग्रोजा प्लस एम्पो 40। अब ग्रोजा से हमारे पास दो चीज़ें, एक तो साइलेंसर भी है और एक तो एमपी लेवल 3 का मजल भी है। तो हमें जो ज़रूरत पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस वो चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं। बट यहाँ पे बार बार भाई मैप को भी देखना पड़ता है, क्योंकि अपन जोन के अंदर है फिर बाहर भाई खुला पे हो गया, थोड़ा सा नीचे जाके लूट करना पड़ेगा अपने को। आई थिंक मेरे हिसाब से जोन और बंदे काफ़ी कम, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। दिल दीवाना आई थिंक मेरे हिसाब से भाई बंदा तो ना हो। चलो अपन मजल लगा लेते हैं, मजल से थोड़ा एक्सचेंज करके यहाँ पे वो कर लेते हैं, साइलेंसर यूज़ कर लेते हैं, ताकि अपने को ना जो भी बेनिफिट है मिले वो साइलेंसर से मिले फिलहाल अभी के टाइम पे तो। और गाइस वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, फिर गेम प्ले अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब के लिए आपको लाल बटन दबकना है तो दबाना ही है। कुछ आपको जैसे करना वैसे करे यार, मतलब अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो भाई बंदा सामने और यहाँ पे भी बंदा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लपेटने की कोशिश करें, क्योंकि अपने पास साइलेंसर है और यहाँ पे एक क्या मस्त इसका स्कोप है। थोड़ा एयरवेट भाई रुक जा, थोड़ा बहुत डैमेज देंगे इसे। अरे चल पहली फुर्सत में, ओ भाई बच गया भाई, भाई बच गया बच गया बच गया, बाल बाल बचा साला। अगर हेडशॉट कनेक्ट होता तो अब भी चला ही जाता बंदा, पक्का चला जाता हेडशॉट कनेक्ट होता तो यहाँ पे। लेकिन अपन ने यहीं पे नहीं गए थोड़ा सा, क्योंकि अपने वो भाई पहली फुर्सत में निकल नहीं यार बच रहा है। अपन ने यहाँ पे रहेंगे तो एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर सामने वाला बंदा अपने को डैमेज देगा तो थोड़ा अपन नीचे चले जाएंगे। बट यहाँ पे लगातार कोशिश, ओ भाई दो बंदे भाई थर्ड पार्टी करने की पूरी कोशिश करेंगे अपन तो यहाँ पे। ओ भाई एक को भी डैमेज नहीं पड़ रही यहाँ पे, तो सबके सब कवर पे चले गए, एक तो एलिमिनेट हो गया आई थिंक मेरे सबसे। वहाँ पे एक बंदा ये सामने है, एक बंदा इस साइड है और थर्ड नंबर में आई थिंक मेरे साथ चार बंदे बचे हैं, तीन ही बंदे बचे। ये गया, ओ चलो हेडशॉट प्लस ग्रोजा। सामने वाला बंदा यहाँ पे वॉल लगा लिया है, आ जाने दो थोड़ा, और अपन तो जोन के कवर पे हैं। और गाइस अगर भूया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे ना नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड बस आप लोग गेम एंजॉय करो कि बुया होता है या कुछ और होता है। फिलहाल तो बस अपन एक वॉल इसके थोड़ा सा वो ना, मतलब माइंड भटकाने के लिए एक वॉल लगा देते हैं, बाकी यहाँ पे अब आप लोग एंजॉय करो गेम प्ले। और वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड शेयर तो छोड़ो मत करना, बट हाँ जो भी स्पोर्ट्स वाले टूर्नामेंट बंदे हैं उनको ज़रूर शेयर कर देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम तो ग्रेनेड डाल चुके हैं यहाँ पे भाई। अब थोड़े से इंटेंस वाले कंडीशन है, अपन बात वगैरह बाद में करते हैं, फिलहाल में आप लोग बुया मिलता। दो भाई यहाँ पे बंदा है भाई, वो लग रही है लगा भाई, वेट करो बस 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 थोड़ा सा और। आप लोग भाई बुया कराओगे क्या कराओगे, वेट करो आप लोग बस।